Welcome in the class of EDM, Mr. Electrodynamometer type instruments. Last lectures में हम सब लोगों ने जो discussion किया है वो permanent moving coil instruments, दूसरा type का instrument जो था moving iron instruments. Today we discuss the electrodynamometer type instruments. Clear है? Moving coil instrument जब वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मतलब दो मतलब निकलते हैं, एक परमानेंट मूविंग कॉइल जिसमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है और दूसरा आपका क्या आता है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर भी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। परमानेंट मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट होती है, एल्कोमैक्स एल्निको से बनी हुई होती है, ठीक है। यहाँ जो है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है पीएमसी में, और इसमें सिर्फ डिफरेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड का, वहाँ फील्ड परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ जो है कॉयल है, एयर कोड कॉयल है, उस पर आपका वायर यूज किया गया है और उस वायर को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप की जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपका दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस अगर पूछा जाता तो बताइएगा, अदरवाइज ये जरूर बताइएगा कि ये मूविंग इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी कॉइल मूव करेगी और उसमें भी कॉइल मूव करती थी। बात क्लियर है? इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है हाईएस्ट एक्यूरेसी रखता है, मतलब अगर क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन आपने पढ़ा है, पीएमसी पढ़ा है, रेक्टिफायर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, इलेक्ट्रोथर्मिक पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, और सभी इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी किसकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट एक्यूरेसी है इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन, सभी कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईडीएम इलेक्ट्रोडायनोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वो हाईएस्ट होती है। बात क्लियर है? हाईएस्ट होने की वजह बहुत सारी है, एक नई वजह है, हमने क्या किया, सारा जो है एयर कोड कॉइल्स इस्तेमाल किए हैं। एयर कोड कॉइल अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या माय डियर, बहुत अच्छी बात समझने वाली बात है, मेटल यूज नहीं करेंगे, मेटल यूज नहीं करेंगे तो एडी करंट नहीं डेवलप होगी, करंट का एडी करंट डेवलप नहीं होगी तो लॉसेस नहीं होंगे, तो लॉस बचेंगे, एक्यूरेसी आएगी। बस समझ में है ना? तो जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है आपका स्पेशली हाईएस्ट एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, एसी डीसी के लिए सेम कैलिब्रेशन है, स्केल चेंज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे कंपटीशन में 50 क्वेश्चन का सेगमेंट है आईएएस गेट जेईई में, बात समझे, आना एक दो है लेकिन आ चुके हैं जितने, उनके बारे में बात कर सकता हूँ ना। बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है हाईएस्ट एक्यूरेसी, तो इसका जो स्पेशली यूज के बारे में अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्पेशली यूज जो है वो वाट मीटर बनाने में है, सिंगल फेज वाट मीटर इलेक्ट्रोडायनोमीटर से बनता है। बात क्लियर है? याद करो उस दिन प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, वोल्टेज कॉइल, ठीक है, बात क्लियर है, उसको यूज करके बनाया जाता है, वोल्ट मीटर एमीटर बनाया जाता है हाईएस्ट एक्यूरेसी वाले, हाईएस्ट एक्यूरेसी पैसा लगेगा, हाईएस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बनेगा, प्रिसीजन टाइप बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है प्रिसीजन टाइप का इलेक्ट्रो वोल्ट मीटर मीटर बनाना है तो किससे बनेगा, तो आंसर होगा ईडीएम इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। बात क्लियर है? ईडीएम से बनेगा माय डियर, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर हाईएस्ट एक्यूरेसी आप सोचते हो, आपने बोला कि वोल्ट मीटर में चाहिए, जिसकी आपने शर्त रख दी हाईएस्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो आप इलेक्ट्रोडायनोमीटर ले लीजिए, उसको बनाइए मल्टीमीटर, अगले क्लास में देखेंगे हम सब लोग। Nearly it's taking a two class, two lectures, lecture number 10 and 11, in instruments and measurement. बात क्लियर है? तो वोल्ट मीटर एमीटर बनाएंगे, हाईएस्ट एक्यूरेसी का मिल जाएगा, ज्यादा हाई वैल्यू भी नहीं मेजर कर सकते, बात समझे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब एसी जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एसी मेजर करते थे, लो फ्रीक्वेंसी की एसी नहीं मेजर होती थी, 50 पे तो बढ़िया देता है परफॉर्मेंस, 25 से 125 तक यूज करते थे एमबीआई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम हो जाती थी मूविंग आयरन भी साथ छोड़ देता था, तो जीरो के पास आके ऐसे से फड़फड़ाने लगता था, मतलब कंपन करने लगता था, वाइब्रेट करने लगता था,
मतलब उसको नहीं यूज कर सकते थे। तो इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, जो मूविंग जो इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो आपका क्या है, लो फ्रीक्वेंसी को मेजर करता, ऑडियो फ्रीक्वेंसी मेजर करता, ए फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा, एक्यूरेट वोल्टेज, एक्यूरेट करंट देगा, ऑडियो, और समझ रहे ना कितना बड़ी बड़ी बात। मतलब अगर 10 किलो हर्ट्ज का सिग्नल तुम मेजर करने चाहो वोल्टेज का, तो मिलेगा, मेजर हो जाएगा, मूविंग आयरन से नहीं मिलेगा, एवरेज वैल्यू जीरो, और वो आपका जीरो पे आपके फड़फड़ाने लगेगा। फड़फड़ाना मतलब समझते हैं, देसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेट करने लगेगा जीरो के, आपके एवरेज वैल्यू जीरो आपकी, समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है? तो आओ हम सब लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि आने वाले क्वेश्चन तो मैंने पहले डिस्कस कर दिए। हाईएस्ट एक्यूरेसी यूज फॉर एसी एंड डीसी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कंपटीशन के पर्पज से तैयार करना है, एक एक पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए हमें, यही कंपटीशन की डिमांड है, इसी डिमांड को अगर पूरा कर पाओगे, ठीक है, तो अगर इसी डिमांड को आप पूरा कर पाओगे तो ही कंपटीशन क्वालिफाई कर पाओगे, बाकी जो लोग बताते हैं हम उस तरीके से तो नहीं, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्पेशली वो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप का, ठीक है, समझ लेना बात को, आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन से, मजा आएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पढ़ेंगे जैसा कभी नहीं पढ़ा होगा, क्लियर है? काफी अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं, मैंने देखा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो ट्विटर, इन सबसे अच्छे रिस्पांस आपका आ रहा है मैंने देखा, ठीक है, तो देखते हैं, और आपके जवाब भी मैं रेगुलर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज क्या आएगी, फिस स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग कॉन्स्ट्रक्शनल डिटेल से उसको क्या करते हैं, क्लियर है, आगे बात करते हैं, ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास ईडीएम का, क्लियर है। तो अब हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे आज डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट्रक्शनल डिटेल, क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली चीज जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो हमारा है फिक्स स्क्वायर, क्या माय डियर आपका क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना आपका। तो फिक्स स्क्वायर आपका क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है, ठीक है, और कैसे बनती है, क्या है, इनके बारे में डिटेल क्या करेंगे, आपको लिखेंगे द फील्ड is producing, the field is producing by आपका फिक्स स्क्वायर, क्लियर है, this स्क्वायर is divided into two section, into two section, या कहीं कहीं लिखा होगा डिवाइडेड इनटू टू एच एल वी एस होल्स, क्लियर है। मतलब फिक्स कॉइल जो होगी वो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉइल एक ही है उसको दो हिस्सों में माय डियर डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, टू गिव ए मोर यूनिफॉर्म फील्ड नियर द सेंटर, क्यों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो सेंटर है उस सेंटर के पास क्या करें, जो सेंटर है मतलब मिडिल रीजन जिसमें पॉइंटर आपका कनेक्ट होता है, वहां पर यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस हो उसके लिए यूज करते हैं नियर द सेंटर, एंड पैरेलल टू ईच अदर,
क्या होगा, दोनों सेक्शन, पहला सेक्शन और माय डियर दूसरा सेक्शन, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होगा। टीचर विद द रेंज मूवमेंट ऑफ मूविंग कॉइल, मतलब मूविंग कॉइल जिसमें मूव करे उसकी रेंज के अंदर आप आए होगा होना चाहिए, और यूनिफॉर्म आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, इसलिए दोनों को पैरेलल करेंगे। बात क्लियर है, मतलब एक ही कॉइल के दो हिस्से, एक ही कॉइल के दो हिस्से, बात क्लियर है। और पीएमसी में क्या करते थे, परमानेंट मैग्नेट होती थी, मतलब इसका रोल जो है वो पीएमएमसी में क्या था, आपका क्या था, परमानेंट आपका मैग्नेट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये जो परमानेंट मैग्नेट थी पीएमएमसी में, उसका कंपैरिजन हमारा फिक्स कॉइल से हो सकता है, एक क्वेश्चन में कंपटीशन में पूछा जा सकता है। मुझे लगता है एनालॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये इसमें ऐसे काम करता तो उसमें इसकी जगह पे कौन काम कर सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो आपका क्या है, आपका जो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, मतलब उसको एक ही कॉइल को दो हिस्से में माय डियर डिवाइड करना है, और दोनों हिस्से एक दूसरे के हैं सीरीज में, है सीरीज में, देखिए सीरीज में है दोनों, पहली कॉइल जो पहला पार्ट हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, दोनों एज टेक्निकली सीरीज में है, लेकिन उनका जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है वो आपका क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल मत बोल दीजिएगा, आगे क्या लिखना है, कॉइल इज, क्या लिखना है, कॉइल इज वार्निश्ड, कॉइल जो है, जो वायर इस्तेमाल हो रहा है वो वार्निश्ड है, मतलब वार्निश लगाई गई उसके ऊपर, क्यों, क्योंकि रेडिएशन ना फैले, एडी करंट ना डेवलप हो, एंड द माउंटिंग सपोर्ट आर सेरेमिक, माउंटिंग सपोर्ट ऑफ सेरेमिक, सेरेमिक के सपोर्ट से उसको क्या है, इस्टेब्लिश किया गया है, कैसे माय डियर, पैरेलल इस्टेब्लिश किया गया, कैसे इस्टेब्लिश किया गया माय डियर, पैरेलल इस्टेब्लिश किया गया, समझ गए होंगे आप सब लोग। आगे बात करते हैं, आपका क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर देखना है, अब आप ध्यान से देखिए, जो करंट हमें मेजर करनी है, अब देखिए मैं रेड कलर इस्तेमाल, जो करंट हमें मेजर करनी है हमने यहाँ अप्लाई कर दी, ये कॉयल हमने लिया, ये कॉयल है, ये कॉयल है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों कॉयल के सेम है, ये पहला सेक्शन है माय डियर, फर्स्ट सेक्शन है, और ये आपका क्या, इसका सेकंड सेक्शन है, दो सेक्शन बोले, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, और दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम है, क्या है, दोनों में नंबर ऑफ जो टर्न है वो क्या क्या बराबर है, क्योंकि यूनिफॉर्म डेवलप करना है, यहां पर भी नंबर ऑफ जो है आपका टर्न क्या है, सेम है, क्लियर है, इधर भी क्या है, सेम है, दोनों कॉयले, समझ मा रहे हैं आपको, एक दोनों फिक्स कॉयले हैं, दोनों फिक्स कॉयल हैं, दोनों को आधा आधा हिस्सा डिवाइड कर दिया गया, दोनों में नंबर ऑफ टर्न बराबर है, पहला सेक्शन और दूसरा, दोनों को फिक्स कॉयल कहेंगे, फिक्स कॉयल वन एंड टू नहीं कहेंगे, फिक्स कॉयल का आधा आधा हिस्सा, क्लियर है, थोड़ा सा और क्लियर करने का मन है मेरा, देखो भाई कैसे क्लियर होता है, ये देखिए, ये थोड़ा और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हमको लेके जा रहा है, देखिए ये हमको थोड़ा सा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ से माय डियर लेके जा रहा है, कैसे, देखो आपका क्या इसमें अच्छे से नजर आ रहा है, फिक्स कॉइल कैसी होती है, हम फिर मैं बोल रहा हूं, अपनी बात को क्लियर कर रहा हूं, कि दोनों जो फिक्स कॉइल के हिस्से हैं
वो दोनों मॉड्यूल आपका क्या है, दोनों हिस्से जो है वो आपका क्या है सीरीज में है, लेकिन जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है वो माइडियर पैरेलल में है, ये मैं बता रहा हूं, इसको आप समझने का प्रयास करिए, समझे ना। और दोनों किसके सेरेमिक बेस पे, बस मेटलिक बेस नहीं लिया, मेटलिक बेस लेंगे तो एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगी तो लॉस प्रोड्यूस होगा, तो लॉस में चाहिए नहीं क्योंकि फील्ड बहुत वीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई है 0.005 से लेकर 0.006 वेबर पर मीटर है, दिस इज वेरी 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 वीक फील्ड, इंस्ट्रूमेंट को शील्ड करना पड़ता है, इतनी वीक फील्ड है, उस फील्ड को बहुत कम फील्ड है ना, उस फील्ड को इसीलिए क्या करना पड़ता है, दोनों एस्टेब्लिशमेंट फिस कॉइल का है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो एक पहला हिस्सा और उसका दूसरा हिस्सा दोनों सेरेमिक मटेरियल के सपोर्ट से लगे हुए होते हैं, आयरन का भी ले सकते थे लेकिन आयरन के अंदर एडी करंट फ्लो होगी, एडी करंट फ्लो होगी फील्ड कम होगी, फील्ड कम होगी तो पॉइंटर डिस्टर्ब होगा ना, तो एडी करंट हमारा क्या है इसके अंदर बचाने के लिए सेरेमिक, सेरेमिक क्या नॉन कंडक्टिंग फॉर्मर इस्तेमाल करना है, नॉन कंडक्टिंग जो मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्ट नहीं करता हो, सेरेमिक नहीं करेगा, इसलिए सेरेमिक ले लिया, दोनों को पैरेलल जो है लगा दी, जैसे सिलाई मशीन नहीं होती ऊपर रील फंसी होती है वैसे लगा दी, उसके ऊपर रील दोनों फंसा दिए, ऐसे एक पैरेलल में दिख रहा है, दोनों कॉयल सीरीज में है लेकिन उनका एस्टेब्लिशमेंट पैरेलल में है, और देखो कैसे कुछ 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 नंबर ऑफ टर्न ऊपर, कुछ नंबर ऑफ टर्न नीचे दिख रहा है ना, माय डियर देख लेना गौर से, कुछ नंबर ऑफ टर्न ये ऊपर ये दिख रहा है ना आपको, और नंबर ऑफ टर्न कुछ नीचे, और कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर और कुछ नंबर ऑफ टर्न्स माय डियर नीचे, आप समझ में आ रहा है, एकदम यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस होगी जिस एरिया में मूविंग कॉइल मूव करेगी माय डियर, और क्लियर है, समझ गए ना, तो यू आर वेल अंडरस्टैंड अबाउट द फिस कॉइल, ओके आई होप यू आर वेल अंडरस्टैंड अबाउट द फिस कॉइल, क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमको कुछ और महत्वपूर्ण चीज याद रखनी, आपका क्या है इसका काम क्या है, इसका काम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, कितना वीक 0.005 डाटा जरूर याद रखा करिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर से 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर की चाहिए होती है, क्लियर है, इतना फील्ड चाहिए आपको, इस फील्ड का चाहिए हिसाब किताब, क्लियर है, ये बहुत ही वीक है, ये बहुत ही वीक है, इतनी वीक है अगर आप डीसी मेजरमेंट कर रहे हो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी आपके डीसी वैल्यू को इफेक्ट कर देगी, इतनी वीक है, वीकनेस का कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी वीक है कि अगर आप डीसी वोल्ट मीटर या एमीटर यूज कर रहे हो तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, समझ गए ना सभी लोग, तो सभी लोग अच्छे से समझें फिस कॉइल क्या होती है, समझ आया ना, सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो बोल सकता है और क्या कर सकता है बता सकता है, क्लियर है, आई थिंक आप सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, क्लियर है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और आइडेंटिफिकेशन लेके आते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन लेके आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ले ये लेके आते हैं कि किस तरीके से इसके मेजर उस पर बात किया जाए, स्ट्रक्चर पे क्या रहेगा हमारा अगला पॉइंट रहेगा, फील्ड कॉयल, फील्ड कॉयल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं फील्ड कॉयल बोलते हैं, दूसरा नाम क्या हो सकता है, करंट कॉयल बोलते हैं, कहां बोलते हैं करंट कॉयल, वाट मीटर में इसको करंट कॉयल के नाम से जानते हैं, फील्ड कॉयल भी कह सकते हैं, करंट कॉयल भी कह सकते हैं, वाट मीटर के केस में करंट कॉयल कहते हैं। आगे लिखा है हैवी वायर, हैवी वायर आपका यूज करना है,
क्योंकि फील्ड आपको इतनी अच्छी डेवलप करानी है कि उसमें मूविंग कॉइल घूम सके। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे कैसे हैवी वायर थिक वायर से बनी होगी, किससे बनी होगी, थिक वायर, और टर्न कितने हो गए, स्मॉल टर्न। स्मॉल टर्न का मतलब नंबर ऑफ स्मॉल टर्न, आपका नंबर ऑफ टर्न की बारे में बात करें, मतलब ये वाले टर्न की संख्या क्या होगी, कम होगी। बात क्लियर है, लेस टर्न कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेस टी यू आर एन टर्न यूज करेंगे। और आपको पता है ठीक माने मोटा, मोटा वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है पतला वायर का, आधे तो जी जो क्लास ले रहे हैं पता ही नहीं होगा कि मोटा वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। जान लो मोटे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है पतले वायर का रेजिस्टेंस, सॉरी पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस पतले वायर का ज्यादा होता है। अगर कोई वायर है तुम्हारा, उसको अगर हमने दो गुना उसको खींच के बढ़ा दिया मोटे वायर को, तो पतला हो गया रेजिस्टेंस उसका, माय डियर चार गुना बन जाए बढ़ जाता है। तीन, अगर तीन गुना उसकी लेंथ को बढ़ा दिया रेजिस्टेंस नौ गुना बढ़ जाता है। क्लियर है, तो स्मॉल टर्न्स क्या करते हैं हमसे लोग यूज करते हैं। बात क्लियर है, समझ गए भाई, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बता सकता है, ठीक है, या कुछ पूछना हो तो उसको बोल सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपके क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आपके क्या होंगे, बहुत कम होंगे। बात क्लियर है, और क्या होंगे, मतलब स्मॉल टर्न होंगे। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी थी, ठीक है, आपका क्लियर है। तो किसी को कोई मन में डाउट हो तो एक बार बोल सकते, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बोल दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको समझ सकते हैं, ठीक है, कहीं किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, क्लियर है, बोलिए आपको अगर कोई समस्या हो, क्लियर है। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को हैवी वायर से बनी होगी, ठीक वायर से बनी होगी, टर्न आपके कम होंगे। बात क्लियर है, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा माय डियर भाई, ये बात भी तो थोड़ा क्लियर हो जाए। रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, अगर आई बराबर क्या होगा, वी अपान आर होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगी। अगर आपसे कभी पूछा जाए किसमें करंट ज्यादा होती है, मूविंग कॉइल में या इसमें, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों सीरीज में दोनों में सेम करंट होगी, ठीक है। पर रेजिस्टेंस के फर्क से आप काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड ज्यादा या जो इस तरीके की बातें आप कर सकते हैं, क्लियर है। और किसी को कोई डाउट हो रहा हो, ठीक है, किसी भी चीज में, तो एक बार बता दें, ठीक है, या बोल सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक फिश कॉइल पे डिटेल हमारा फिनिश होता है, और किसी को कोई दिक्कत फिश कॉइल से रिलेटेड हो तो एक बार बता सकता है या बोल सकता है, ठीक है। टोटल डिटेल हमने आपको फिश कॉइल के बारे में आई थिंक बता दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्लास को प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मूविंग कॉइल की, किसकी बात करेंगे, आपका जो सेकेंड पार्ट होगा इसका, वो आपका क्या होगा, मूविंग कॉइल होगा माय डियर, क्या होगा, मूविंग कॉइल पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पेजेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगली क्वाइल पे, नाम है उसका मूविंग क्वाइल, क्या है, मूविंग क्वाइल, ठीक है। मूविंग क्वाइल आपका क्या है, लिखते हैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में, द मूविंग क्वाइल, द मूविंग क्वाइल इज बाउंड, मूविंग कॉइल इज बाउंड ऑन नॉन मेटेलिक फॉर्म।
नॉन मेटलिक फार्मर, हमने कहा मेटल का फार्मर नहीं इस्तेमाल करेंगे, मेटल का फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे तो आपका उसमें एडी करंट फ्लो होगी, और एडी करंट जो क्या करेगी हमारे पूरे सिस्टम को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, दुश्मन है, समझिए जो एडी करंट आपकी क्या है वो आपकी क्या है इसके लिए दुश्मन है, एडी करंट जो है उसके लिए क्या है माय डियर दुश्मन है, आप समझ लीजिए। तो नॉन मेटलिक फार्मर, नॉन मेटलिक फार्मर जैसे कार्डबोर्ड हो गया, बेकेलाइट हो गया प्लास्टिक के रूप में, या और बहुत सारे मटेरियल हैं जिनको एज नॉन मैग्नेटिक तरीके से यूज करते हैं, सिंपल तो कागज है, कागज के ऊपर लपेट दो तो नॉन मेटेलिक हो गया माय डियर, बात क्लियर है। तो नॉन मेटेलिक सिस्टम आपका क्या है, नॉन मेटेलिक फार्मर पे इसको क्या करना है हमको यूज करना, ठीक है। और नॉन मेटेलिक फार्मर की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, नॉन मेटेलिक जो फार्मर होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, लाइट माने हल्का होना चाहिए, बट रिजिड होना चाहिए। रिजिड माने क्या होता है, कठोर। हल्का हो, हल्का होगा तो मूव करने में दिक्कत नहीं होगी, रिजिड होगा तो टूटे नहीं, कठोर होगा। कंसिस्ट ऑफ फाइन वायर, वायर सामान्य नहीं यूज करना है, फाइन वायर इस्तेमाल करना है। तो फाइन का मतलब आपका क्या है, फाइन का मतलब जो है वो तो पतले से ले सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, पतले से ले सकते हैं। फाइन का मतलब आप पतले से इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं पतला वायर, या मतलब फाइन वायर आपका क्या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फाइन वायर। एंड माउंटेड ऑन पाइवाट स्पिंडल, बात क्लियर है, पाइवाट स्पिंडल मतलब जो स्पिंडल जो यूज कर रहे हैं वो पाइवाट टाइप का है। आगे क्या है, मूविंग कॉयल जो पूरा बना लिया आपने, इस्टेब्लिश कर दिया आपका, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड कॉइल, प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल के थ्रू जो बनाई गई है फील्ड, ठीक है, व्हेन कैरिंग करंट, जो फिक्स कॉयल है आपकी, जो फिक्स कॉयल है एंड मूविंग कॉयल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, मूविंग कॉयल बोथ आर एयर कोर टू अवॉइड हिस्टेरेसिस प्रॉब्लम, और कौन सी प्रॉब्लम, एडी करंट ईटीसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने लिख दी, अब आपको इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझना है, फिक्स कॉइल मूविंग कॉइल जो है वो क्या है, मेटलिक फार्मर, नॉन मेटलिक फार्मर। भाई ये पेन लिया, ये प्लास्टिक लिया, ये नॉन मेटेलिक है, प्लास्टिक है, ऐसे वायर ऐसे ऐसे लपेट दिया तो ये क्या हो गया, नॉन मैग्नेट हो गया, समझ गए ना, ध्यान दीजिएगा, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, कठोर है ये, फाइन वायर से होना, फाइन वायर मतलब थिक वायर से, उसमें थिक वायर यूज होता है, इसमें थिन वायर यूज होता है, पतला वायर, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कॉइल के अंदर कम करंट कैरी करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एस्टेब्लिश होनी चाहिए इसके अंदर, बात क्लियर है। तो इसपे आपका क्या है, माउंटेड एंड पाइवट स्पिंडल,
याद करो, ये सब अपने पास ही रखा रहता है, पेन है ये, नुकीला वाला हिस्सा, पाइबाइट टाइप का बताया ना, पाइबाइट ज्वेल्ड बेयरिंग याद है आपको, क्लियर है। इसमें क्या है, ये मूविंग कॉइल सेट है, अब मूविंग कॉइल सेट के साथ क्या है, पॉइंटर कनेक्टेड है। मूविंग कॉइल के साथ क्या कनेक्ट होगा, पॉइंटर कनेक्ट होगा। जैसे ही उसको फील्ड में रखोगे, जैसे उसमें करंट क्वायरिंग मूविंग आयरन पीएमएमसी में यूज करते थे, मूविंग आयरन कॉइल जो है मूव करने लगती थी, बस वो आयरन की थी, आयरन के ऊपर लपेटे गई थी कॉइल, तो यहाँ आयरन के ऊपर नहीं, यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, नॉन मैग्नेटिक, वहाँ मेटलिक फार्मर था, यहाँ नॉन मेटलिक फार्मर है। बात के ये बड़े बड़े अंतर हैं बताते जा रहे साथ। तो इस पर लपेट दिया और ये इस तरीके की ये पूरा मूविंग सिस्टम हो गया, इसको उन दोनों फील्ड के बीच में जो पैरेलल थी उसके बीच में ऐसे स्टेब्लिश कर दिया, ऐसे रख दिया जाके, ऐसे जब रख देंगे तो ये इसका क्या, ये पूरा मूविंग सिस्टम का फार्मर बन जाएगा। फाइन वायर जो हमने बोला है, फाइन वायर का कहने का क्या मतलब होगा, जब आप बोलोगे फाइन वायर तो हम कुछ शब्द लिखेंगे, फाइन वायर का मतलब जो निकल के आएगा वो आपका थिन वायर से, इससे मतलब है ये थिन वायर है आपका, थिन वायर होगा, पतला होगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, आई बराबर वी अपान, पतले वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, तो करंट आपकी कम है, ठीक। थिन वायर है, हाई रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम प्रेशर कॉइल के नाम से जानते हैं, कहां, वाट मीटर के केस में, जब वाट मीटर में देखेंगे तो इसको माय डियर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर कॉइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रेशर आपका कॉइल आपका कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न इज लार्ज, आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न जो है मोर देन फिक्स कॉइल भी लिख सकते हो, मोर देन, सामान्य भाषा में लिख सकते हो मोर देन फिक्स कॉइल, क्लियर है। फाइन वायर हाई रेजिस्टेंस, क्लियर है, रेजिस्टेंस आपका हाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके चीजें आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, दिस इज योर आपका आपका मूविंग कॉइल, ठीक है। तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो सब लोग बताएं, ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी क्लास में लाइव है इस समय, बात कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल दें, ठीक है। तो ये पूरी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आता हूँ स्क्रीन पे, हालांकि मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी हूँ, ठीक है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल दें, ठीक है, क्लियर है। मैसेज या जो भी है, किसी भी तरीके से आप उसको बोल सकते हैं, क्लियर है। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम हो गए, तो सॉरी ज़्यादा हो गए, वायर आपका पतला हो गया, फिस कॉइल का मोटा होता था, इसका वायर पतला हो गया, हाई रेजिस्टेंस हो गया, इसको प्रेशर कॉइल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस पर भी बातचीत आपकी क्या हो गई थी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, स्ट्रक्चर तो हमने देखा ही नहीं हम लोग। देखिए, प्रेशर कॉइल और मूविंग कॉइल जो होते हैं सीरीज में, सॉरी आपका जो फिक्स कॉइल होती है, जो मूविंग कॉइल होती है, वो दोनों आपके क्या होते हैं, किस कैसे होते हैं, दोनों जो है आपके क्या है, सीरीज में होते हैं। ये आपका क्या, मूविंग कॉइल आपका दिखाई दे रही है, क्लियर है। संख्या एक ही होती है, सीरीज में जुड़ी होती है फिक्स कॉइल के, सामने दिख रही है आपको, उसके साथ पॉइंटर जुड़ा हुआ, ये भी दिख रहा है, उसके साथ क्या जुड़ रहा है, पॉइंटर भी जुड़ा हुआ है, ये भी आपको दिख रहा है, तो ये मूविंग कॉइल आपकी है। और देखो फार्मर दिया, उसमें ये ऐसे ऐसे वायर क्या गया है, ये लपेटा गया है वायर, ये जो दिख रहे हो, ये आपका क्या दिख रहा है, ये वायर आपका, ये वायर लपेटा गया है, ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वायर को क्या करते हैं, ऐसे से लपेट दिया गया, साथ में पॉइंटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या करना, नोट करना है,
क्या नोट करनी होगी, मूविंग कॉयल इन सीरीज विद विद क्लियर है, फिश कॉयल आपका क्या है सीरीज में। अब जरा इसको और थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए ये हमने दिखाया है। अब देखिए ये जो कॉयल का बाउंडिंग का तरीका है, ये ऐसे बाउंड की गई है, लिखा है किताबों तो अलग बात है, थोड़ा सा आप अपने दिमाग से भी कहा ऐसे यूनिफॉर्म रहेगा, पूरा मूवमेंट अच्छा होगा। बाकी ये पॉइंटर आपका कनेक्ट किया गया है, ये तो दिख रहे हैं आपका, बाकी इसको हम क्या बोलते हैं माय डियर, मूविंग कॉयल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं माय डियर, मूविंग कॉयल आपका क्या बोलेंगे। बाकी स्केल लिखा हुआ नॉन लीनियर स्केल है, ये सब चर्चे में आपके आते रहेंगे, क्लियर है। और किसी को कोई डाउट हो एक बार पूछ सकता है। तो हमारा मूविंग कॉयल और आपका क्या है फिश कॉयल के बारे में हमने आपको डिटेल दे दिया, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बताएं, ठीक है, हम उस डाउट को आपका क्या करें दूर करें, क्लियर है। तो आई थिंक सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो एक बार आप बात कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत हो एक बार बोलें आप सब, ठीक है। आई थिंक आई होप सभी लोग ये दोनों पार्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण पार्ट थे, इसलिए इन सभी पार्ट को पढ़ाने के लिए टाइम देना पड़ता है, क्लियर है। तो अब हम से लोग आगे की चर्चा करेंगे, आगे हम से लोगों को होगा क्या, क्लियर है। अब हम से लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपका कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, कंट्रोल आपका सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्लियर। कैसा कंट्रोल है, कैसा कंट्रोल है, स्प्रिंग कंट्रोल है, क्या है स्प्रिंग कंट्रोल है, द कंट्रोलिंग टॉर्क, टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय टू हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग आपका क्या है उसको क्या है यूज करते हैं, टू हेयर स्प्रिंग, क्लियर है। टू हेयर स्प्रिंग आपका क्या है इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्प्रिंग मतलब आपने जैसे पीएमसी में पढ़ी थी स्प्रिंग, वो हेयर स्प्रिंग थी आपका, बात क्लियर है। हेयर स्प्रिंग आपका यूज करते हैं, ठीक है। पीएमसी में आपने देखा था हेयर स्प्रिंग के बारे में, ऊपर नीचे पत्ती पत्ती आपकी लगी हुई थी फ्लैट रिबन के थ्रू, ठीक है। इस तरीके का आपका हेयर स्प्रिंग आपकी क्या यूज करते थे, क्लियर है, समझ रहे होंगे। आपने पीएमसी में देखा होगा क्लास में, उसमें आपको ये हेयर स्प्रिंग आपको क्या दिखाई दिया, ठीक है। एक आपका क्या होता है, एक ऊपर फिट होती है और क्या होती है एक नीचे फिट होती है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है हेयर स्प्रिंग क्या होती है आपकी यूज होती है, ठीक है, सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। हेयर स्प्रिंग आपकी क्या होती है, क्लियर है, हेयर स्प्रिंग आपकी। डीज स्प्रिंग आगे क्या है, डीज स्प्रिंग एक्ट लाइक एज लीड टू द मूविंग कॉइल, लीड की तरीके से काम करती हैं, इन्हीं से करंट अंदर जाएगी मूविंग कॉइल के अंदर, इन्हीं से करंट बाहर आएगी। अब बात करते हैं मूविंग सिस्टम की, किसकी बात करते हैं, मूविंग जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं, द मूविंग कॉयल, द मूविंग कॉयल, द मूविंग कॉयल इज
माउंटेड ऑन ए एल्युमिनियम स्पैंडल विथ काउंटर वेट टू द स्पैंडल एट बॉटम एंड पॉइंटर एट बॉटम विद पॉइंटर आप कर लेना थोड़ा वो सब आप देखते रहते सस्पेंशन मे बी यूज्ड इन केस ऑफ हाई सेंसिटिविटी। क्लियर है? तो अगर आपको हाई सेंसिटिविटी चाहिए, बात क्लियर है, हाई सेंसिटिविटी चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आता हूँ स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ। ये आपका स्पिंडल है, एल्युमिनियम का बनाना है, इस पे मूविंग कॉयल आप लगा देंगे, मूविंग कॉयल के साथ पॉइंटर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी ये पाइवेटेड टाइप के बताया, ऊपर फिट है, नीचे फिट है, यहाँ एक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग यहाँ, हेयर टाइप की स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। और ये पूरे को क्या बोलेंगे, मूविंग सिस्टम बोलेंगे। अगर ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हैं, हाई सेंसिटिविटी क्या इस्तेमाल करते हैं, सस्पेंशन टाइप इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, सस्पेंशन टाइप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को मूविंग सिस्टम माय डियर क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बोल सकता है, बता सकता है, मैसेज कर सकता है। ठीक है, और कोई भी जो लोग ऑनलाइन इस समय क्लास ले रहे हैं वो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं आपका। ठीक है, आई थिंक आई एम ट्राई टू बेस्ट, कि कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज आपको क्या है समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करेंगे आगे इसके अगले पार्ट की। अगला पार्ट हमारा होगा डैम्पिंग। आपका जो है, आपका डैम्पिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल होता है, ये सब कंपटीशन में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, कौन सी डैम्पिंग है माय डियर, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आर यूजेस एंड provided by pair of aluminium vane attached to the spindle at bottom। क्लियर है? नीचे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आपका यूज करते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको कंपटीशन के लिए ध्यान रखना है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद होना चाहिए, किससे देते हैं, पेयर ऑफ एल्युमिनियम वेन, कहाँ अटैच होती है, बॉटम में, किसके साथ अटैच होती है आपकी, किसके साथ, दीज वेन आपका मूव्स इन सेक्टर ऑफ शेप्ड चैम्बर। बताने की जरूरत नहीं है, आपने पिछले क्लास में मूविंग आयरन में पढ़ा था, सेक्टर बनाता, थोड़ा सा रेडियल टाइप का पार्ट बनाता, उसी के अंदर मूव करते, वही सेम सिस्टम उठा के
लगा दिया जाएगा, उसी में ये आपका वेन आपका क्या होगा फिट होगी और उसी तरीके से इसमें क्या होगा इसका काम होगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगला पार्ट इसका डिस्कस करेंगे सील्ड, एस एच आई ई एल आपका डी आई एन जी, सील्डिंग क्या है, सील्डिंग आपका देखेंगे। सील्ड होता है इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने बताया ना फील्ड इज वेरी वीक, उस वीक फील्ड आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट ना हो, या जिसको आप स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो उससे इफेक्टेड ना हो, बात के लिए उससे इफेक्टेड ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, शील्डिंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या होता है शील्डिंग, आओ दिखाते हैं तुमको। ठीक है, क्या होगी शील्डिंग, क्या शील्ड होगी, टू अवॉइड स्ट्रे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू अवॉइड स्ट्रे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाई इनक्लोजिंग डैम इन केसिंग, केस नहीं होता है आपके, बहुत सारे केस होते हैं ऑफ हाई परमीएबिलिटी चुंबकशीलता, हाई परमीएबिलिटी एलॉय, ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो बाहरी फील्ड इफेक्ट ना करे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ना करे, तो उसको पूरे सिस्टम को एक केस के अंदर बंद कर देंगे, केसिंग कर देंगे। और वो केस काहे का बना होगा, वो ध्यान रखना है हाई परमिबिलिटी एलॉय का होगा। ठीक है, या इसको बोलते हैं लैमिनेटेड सील्ड, क्या बोल सकते हैं, लैमिनेटेड सील्ड भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो एक बार पूछ सकता है, बता सकता है, कहीं कोई समस्या हो, क्लियर है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत क्वेश्चन करिए, एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। क्लियर है, तो कहीं कोई दिक्कत हो तो बोले, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे हम क्लास, ये नॉर्मल आपका कोई स्पेशली नहीं क्लास, जैसे क्लास चलती है वैसे ही चल रही है, थोड़ा बहुत लिख भी इसलिए देते हैं कि आप नोट्स बना लें, प्रॉपरली पढ़ लें और कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, तो अब आगे बात करते हैं, सील्ड हो गया, पूरा डिटेल इस सिस्टम के बारे में आपको फिनिश हो गया। ठीक है, और अगर आप बाकी कुछ चाहते हैं तो बाकी हमने बताया, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये पूरा कॉयल है ऊपर और थोड़ा सा स्प्रिंग दिख रहा है आपका, सामने स्केल है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्वाइल पॉइंटर एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अब कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो आप प्लीज़ एक बार जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस के हैं ऑनलाइन हैं वो अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी कुछ पूछना हो तो एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो एक बार पूछें। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलें, मैसेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर कॉयल का मतलब, प्रेशर कॉयल मैंने बताया ना आपका मूविंग कॉयल का नाम प्रेशर कॉयल होता है, वाट मीटर के अंदर इसको प्रेशर कॉयल बोलते हैं। ठीक है, या वोल्टेज कॉयल भी बोलते हैं या पोटेंशियल कॉयल भी बोलते हैं, लेकिन ये जो बोलने वाला जो सिस्टम है ये हम लोग यूज करते हैं उसमें आपका जब वाट मीटर में, तो कभी कभार कहूँ कोई पूछ सकता है तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकता है, बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बीच में एक आध मिनट रुकता हूँ कि ताकि आप सब पूछ सकें। ठीक है, नहीं तो फिर आगे स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब हमारा स्केल का सिस्टम रह गया, कुछ थ्योरिटिकल बात रह गई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से आएगा, कैसे बैलेंस होगा, कैसे पॉइंटर मूव करेगा, कैसे करंट फ्लो होगी, कैसे करंट मेजर होगी, कौन सी करंट मेजर होगी, स्केल कैसी होगी,
ये बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जो हम लोगों की आगे की बातचीत होगी वो टॉर्क को लेकर होगी। इसको लेकर होगी, टॉर्क को लेकर आप हम लोगों की बातचीत होगी। ठीक है, टॉर्क क्या होता है उस पर हम लोग क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डालते हेडिंग माय डियर, डिफ्लेक्टिंग आपका टॉर्क, मतलब स्केल के लिए तो हम लोग यही पढ़ते हैं। ठीक है, जब स्केल के लिए बात करोगे, तो जब स्केल के लिए माय डियर बात करोगे तो क्या होगा, ऐसे ही बात होगी आपका। क्लियर है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन देता है भाई, जो फील्ड डेवलप होगी उसके अंदर आपका क्या डिफ्लेक्शन शुरू होगा, और डिफ्लेक्शन से आपका क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका मटेरियल डेवलप होगा। कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है भाई, मूविंग कॉइल डिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, हालांकि ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, नॉर्मल बात करेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। लिख लीजिए द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क Deflecting torque is given by TT. आपका क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट ले लें हम सब लोग, तो एक सेगमेंट आप क्रिएट कर लीजिए, जो मेरी इच्छा है। ये तुम्हारा I1 करंट इसमें जा रहा है, AC यहाँ से ऐसी निकल रहा है, बात क्लियर है। और बाकी भी बताते हैं, इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस काम करता है, और ये जो TD दिया जाता है I1 × I2, ठीक है, dm/dθ, ये माय डियर TD होता है। क्लियर है, ये L1 है, ये आपका L2। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्या यहां से आता है, I1 आपका क्या है इसमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन फिक्स्ड कॉइल, ये वाली कॉइल जो है क्या है, फिक्स्ड है, और ये वाली जो दूसरी वाली है ये मूविंग है, फिक्स्ड कॉइल। I2 जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन मूविंग कॉइल। क्लियर है, I आपका क्या है, M जानते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, थीटा आप जानते हो, एंगुलर डिफ्लेक्शन। क्लियर है, तो ये हमने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया कि सर्किट किस तरीके से बनेगा और कहां से तुम्हारा जो है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका आएगा। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे AC और DC की, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, स्क्रीन पे मैं हूं या नहीं हूं, हूँ, क्लियर है। तो जब बात AC या DC करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फॉर AC मेजरमेंट, स्पेलिंग भैया सब लोग देखे रहे ना, क्या होगा जाके उसका फार्मूला AC मेजरमेंट के लिए क्या होगा। ठीक है, तो माने AC हमने जो ले रहे हैं वो AC हमारी क्या है, आपका I1 IM1, क्या साइन ओमेगा टी, दूसरी AC जो है IM2 साइन ओमेगा टी प्लस
इनिशियल फेज हमने डाल दिया, दो करंट हो गई इसमें। इस केस के लिए जब आपका इसका टी डी निकालोगे, टी डी इज गिवेन एज, टी डी जो होगा जाके माई डियर आई एम वन अपान रूट टू, अगर देखें आई एम टू अपान रूट टू कॉस फाई डी एम अपान डी थीटा, क्लियर है। इसको और अगर कैलकुलेट करोगे, आई एम वन आई एम टू अपान टू लिखा होता किताबों में, क्या लिखा होगा कॉस फाई लिखा होगा डी एम अपान डी थीटा। ये हमने पूरा फार्मूला आपको लिख दिया एसी के लिए डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, आईआरएमएस वैल्यू मेजर करता बता दिया, बहुत बार बताया, कितनी बार बताया, बहुत बार बताए आईआरएमएस वैल्यू मेजर करेगा इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट आईआरएमएस मेजर करेगा, इसलिए हमने आपको ये दिखाया, क्लियर है। और सभी लोगों को आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी वैल्यू आपको क्या मेजर करनी है और कैसे कौन सी वैल्यू नहीं मेजर करनी है, क्लियर है। तो सभी लोग इस बात को समझ लें और कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बताएं, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या है, इसको लिखते हैं आई एम वन अपान आई एम टू, या इसी का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, क्या लिख देते हैं, टी टी बराबर लिखते हैं, टी टी बराबर आई वन आई टू अपान टू, टू टू तो फिर नहीं आएगा, अगर आप आई वन लिखोगे, आई वन आई वन बराबर आई एम वन अपान रूट टू और आई टू बराबर आई एम टू अपान रूट टू, ये मैग्नीट्यूड है करंट के, और जैसे इसके मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो जो फार्मूला आपका आएगा वो आपका आई वन आई टू कॉस फाई डीएम अपन डी, क्लियर है। सब कुछ आपका हमने क्लियर कर दिया है और कहीं कोई दिक्कत आपका क्या है नहीं रही है आपका, क्लियर है, समझ गए होंगे सभी लोग। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझ सकते हैं और कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आपका नहीं रही होगी, इस तरीके से आपको काम कर सकते हैं। अब टी डी ये तो आपका हो गया, अब डी सी के लिए, फॉर डी सी आपका क्या होगा टी डी, उसमें तो कोई चक्कर है नहीं, आई वन हो गया आई टू है कॉस थीटा जीरो होता है, तो आपका क्या हो जाएगा डी एम अपान क्या हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। दोनों फार्मूले हमने बेहतर तरीके से आपको क्या लिख दिए और कहीं कोई दिक्कत आपको क्या नहीं आने दी, क्लियर है। अब आपका क्या है, जब आगे थ्योरिकल कॉन्सेप्ट आगे जाओगे, आगे जब बात करोगे एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में जैसे ही जाएंगे तो हम सब लोग क्या करेंगे, आपका आई वन आई टू कॉस फाई डी एम अपान डी थीटा इक्वल टू आपका क्या के थीटा, क्योंकि टी डी स्टडी स्टेट में टी डी बराबर क्या टी सी, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अभी भी इस्तेमाल किया आपने तो ये फार्मूला आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आई वन आई टू अपान के और कॉस फाई डी एम अपान डी थीटा, क्लियर है, ये डिफ्लेक्शन आपका होगा। अगर इसमें कुछ कंडीशंस आप लगा दें, अगर कुछ कंडीशंस आप क्या कर देंगे इसमें यूज कर देंगे, तो उन कंडीशंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए आपका क्या है कॉस फाई इज इक्वल टू वन करते हैं, आई वन बराबर आई टू बराबर आई करते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वेयर अपान के आपका डी एम अपान क्या होगा डी थीटा, क्लियर है। और इसी से पता चलेगा कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वेयर, क्लियर है, थीटा जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आई स्क्वेयर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमको करना चाहिए वो स्केल के बारे में बात करना चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट्स मैं लिखता चले जा रहा हूँ, तो आपका थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होने की वजह से सबसे पहली बात क्या, स्केल इज नॉन
लीनियर। दूसरी बात क्या हुई आपका, रीडिंग इन आरएमएस वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसी, बात क्लियर है, आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा। और क्या होगा, और क्या होगा, और भी कुछ हो सकता है, आरएमएस वैल्यू आपका मेजर करेगा, नॉन लीनियर स्केल है, बात क्लियर है। स्केल आपकी माय डियर कैसी हो गई, नॉन लीनियर हो गई, और किसी को कोई भी दिक्कत हो बताए, स्केल कैसी है आपकी, नॉन लीनियर स्केल है, कैसी है, नॉन लीनियर स्केल है, क्लियर है। और किसी को कोई दिक्कत हो एक मिनट बोल सकता है, नहीं है तो बोल सकते हो, आप बता सकते हो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, ठीक है, और बोल सकते हैं स्क्वायर ला रिस्पांस है, कैसा रिस्पांस है, स्क्वायर ला रिस्पांस है, ठीक है माय डियर। तो इतनी बात आपकी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो एक बार बोल दे, बता दे, हम उसको समझा दें। स्केल कैसी है, नॉन लीनियर, पीएमसी की स्केल कैसी है, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे आप सब लोगों ने, स्केल कैसी है आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने, थीटा डायरेक्टली टू आई आपका प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर ला वैल्यू आपको मेजर करती है, स्क्वायर ला रिस्पांस है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्केल पे जब चर्चा किया है तो थोड़ी सी चर्चा और कर दें, ठीक है, क्लियर है, क्या है चर्चा, ये रहेगी ईडियम टाइप इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम स्केल या सेम कैलिब्रेशन फॉर एसी एंड डीसी, ड्यू टू विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एक क्वेश्चन बहुत कंपटीशन पूछा गया, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा, मतलब क्या है, जरा समझो बात को। ये स्केल हमारी बनी हुई है, जीरो है मान लेते हैं, ये 100 वोल्ट 100 एम्पियर है मान लेते हैं, क्लियर है। तो ये जो पॉइंटर है ये रीड कर रहा है, मान लेते हैं ये 5 ये 10 10 एम्पियर रीड कर रहा है, किसमें, डीसी में भी ये 10 एम्पियर रीड करेगा, फॉर डीसी 10 एम्पियर इज एवरेज वैल्यू, और फॉर एसी 10 एम्पियर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, मतलब स्केल चेंज करने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, स्केल चेंज करने की जरूरत नहीं है हमको, स्केल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, स्केल चेंज होने की क्या है आवश्यकता नहीं है आपका, एक ही स्केल हमें दोनों में काम कर जाएगी। अगर 10 एम्पियर पे पॉइंटर है, अगर डीसी मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब पता है आपका क्या है, इसका मतलब आपका क्या, 10 एम्पियर आप एवरेज वैल्यू मेजर कर रहे हो, अगर एसी में ये 10 है तो एसी में ये 10 एम्पियर आईआरएमएस वैल्यू मेजर हो रही है, तो माय डियर स्केल चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, सेम स्केल इज यूज फॉर एसी एंड डीसी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं माय डियर, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, बात समझे, चलो डाउट हो तब पूछिएगा, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। स्केल ऑफ ईडियम कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर
स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज करेंट, एवरेज करेंट स्क्वायर आरएमएस वैल्यू मेजर कर रही है। देयरफोर मीटर रीड्स आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्या मेजर करता है, कैसे मेजर करता है, ये तो सब बता चुके हैं। आरएमएस वैल्यू एसी की मेजर करता है। बस समझे, सेम स्केल इज यूज फॉर, जब सेम स्केल यूज करेंगे तो आप समझ रहे हैं ये क्या मतलब आपका है। एसी या डीसी के लिए सेम स्केल माय डियर यूज कर रहे हैं, सेम स्केल यूज कर रहे हैं। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इसी वजह से इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, क्या कहते हैं इसको, इसी वजह से। क्लियर है? किसी को वो डाउट हो एक बार बताए तो हम उसको समझाते। मन कर रहा है मेरा इस बात को एक्सप्लेन करने का, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो सकता है 90% जो लोग वॉच कर रहे हैं मुझको वो होप करते हैं कि काफी अच्छा नॉलेज हो। जैसा नॉलेज मैं दे रहा हूँ शायद कोई प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा, ना कर पाएगा आने वाले समय में। हम एक आरएमएस की, क्या होता है जब हम आरएमएस के बारे में बात करते हैं तो आरएमएस के लिए क्या होता है, एक क्वेश्चन जो है आ जाता है कि आरएमएस वैल्यू होती क्या है एक्चुअली। एक्सप्लेन कर देते हैं, पता तो आपको नहीं है, कंफर्म तो मैं नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं इतना कंफर्म हूं आपको नहीं पता, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हीट प्रोड्यूस्ड बाई आई एम्पियर डीसी क्या होगा, आई स्क्वायर आर होगा, एवरेज रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट बाई वन एम्पियर डीसी, पी इज इक्वल टू वन बाई टी जीरो से टी स्मॉल आई स्क्वायर आर डी टी। एवरेज हीट, एवरेज रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट बाई आई एम्पियर ऑफ एसी। क्लियर है? अगर दोनों बराबर हैं, आई स्क्वायर आर बराबर वन अपॉन डी जीरो से टी आई स्क्वायर आर डी टी, ये दोनों बराबर हैं तो जो आई की वैल्यू है वो आई, देन आई इज आई आर एम एस। समझे ना बात को? तो जो आई है वो आई आर एम एस वैल्यू होगी उसकी, या अलग शब्दों में कह सकते हैं कि आपका वन अपान टी जीरो से टी आई स्क्वायर आर डी टी इक्वल टू एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। क्लियर है? ये रीजन होता है, इसलिए दोनों की स्केल क्या होती है, ड्यू टू विच सेम स्केल आर यूज्ड फॉर एसी एंड डीसी। ये आरएमएस की डिफिनीशन होती है कि अगर आपके करंट प्रोड्यूस करें, मतलब ये आईआरएमएस की डिफिनीशन होती है माय डियर, कि आपका जो है ये आईआरएमएस की डिफिनीशन होती है कि एक एम्पियर करंट अगर भेजे तो जितनी हीट प्रोड्यूस हो, अगर एसी की उतनी जो एक एम्पियर, मतलब आई एम्पियर जो डीसी है, जनरल बोल देते हैं आई एम्पियर डीसी है जितनी हीट प्रोड्यूस करती है, उस हीट प्रोड्यूस करने के लिए एसी की जितनी वैल्यू चाहिए होती है उसको हम आईआरएमएस बोलते हैं।
बेसिक इलेक्ट्रिकल जब पढ़ाएंगे तो मजा आएगा, इंतजार करिए। अभी तो ये सब्जेक्ट मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ जिसको हम पढ़ाते हैं केवल, और जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे डिजिटल है, माइक्रोप्रोसेसर, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सब माइडियर देखने लायक है। ओके, वेट करिए सब्जेक्ट कब आते हैं। स्टार्टिंग हालांकि लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने अच्छे सब्जेक्ट से, लेकिन मैं अपने सबसे खराब सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर भी मेरा सबसे खराब उनका सबसे अच्छा, बस समझे ना, अभी तो शुरुआत है। आई होप ये क्लास आपको सबको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, बाकी आपके जवाब मैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी के माध्यम से दे रहा हूँ। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इस अच्छे रिस्पांस के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर टेकिंग ए क्लास, बीइंग विद अस। थैंक यू very much.